अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खरे से होंगे। आज क्वेश्चन 8 सॉल्व करने जा रहे हैं हम NSM D1 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1 में। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ फोटो फ्रेम इज 225 सेम स्क्वायर, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फोटो फ्रेम। पैरामीटर मालूम करना है, एरिया हमें दे दिया गया है जो कि स्क्वायर में है फोटो फ्रेम। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चूंकि हमारा फोटो फ्रेम जो है वो किस में है, स्क्वायर में। ठीक है, एरिया ऑफ द स्क्वायर फ्रेम जो है वो हमें दे दिया है इन्होंने क्वेश्चन में 225 सेम स्क्वायर। हमें इसकी लेंथ पता होना चाहिए। लेंथ जो है वो लेंथ ऑफ द साइड, ठीक है, यानी कि जो फ्रेम है उसकी साइड्स जो है वो हमें नहीं पता कि उसकी एक साइड जो उसकी लेंथ कितनी है, तो उसको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एरिया मालूम करने का क्या तरीका है, एरिया का ये फॉर्मूला है स्क्वायर का, एरिया इज इक्वल टू एस इंटू एस। ठीक है, एरिया हमें जो है वो यहाँ पे गिवन था क्वेश्चन में 225 सेम स्क्वायर, और एस इंटू एस बन जाती है हमारी एस स्क्वायर। ठीक है, 225 का आप ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद जो उसके प्राइम नंबर्स आए उनको आपने स्क्वायर रूट साइन के अंदर रख दिया, और एस इंटू एस जो है ये भी आपने स्क्वायर रूट साइन के अंदर रख दिया। इसकी कर दी है पेयरिंग। पेयरिंग करने के बाद नंबर्स को बाहर निकाल दिया जो कि बन गया 3 × 5 = 15। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने पेयरिंग करने के बाद एस को बाहर निकाल दिया था, तो हमारे पास साइड आ गई है, एक साइड जो है फोटो फ्रेम का वो 15 सेंटीमीटर का है। पूछा गया है हमसे पैरामीटर, तो पैरामीटर क्या है इसका, पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर जो होता है वो हमारा होता है 4 × साइड। ठीक है, 4 लिख दिया यहाँ पे, और साइड इसकी जो हमारी निकल कर आई है, एक साइड निकल कर आई है वो है 15, तो 15 × 4 बन जाती है 60। तो ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करती हूँ सही से समझ में आ गया होगा। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।